मेरी बात सुन। दुनिया के हर बच्चे को अपने पापा की टेंशन होती है। हैं? क्यों रो रही है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो मैं बंद कर दूँ। इडली। मम्मी मुझे है ना पापा के बहुत याद आती है। मैंने जब दुकान में जाते शाम तक खाना नहीं खाना, भूखे के भूखे काम करते, कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते, सीधे काम काम तो काम। सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम का खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठो, बताओ। तो रात को आके खाते ना बेटा। रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। पापा के खाना न खाने से परेशान लाडो बोली, पापा हमारे लिए काम करते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, और इतना कहकर रो पड़ी। प्यारी बेटी का वीडियो देखकर अभिनेत्री रवना टंडन भी हुई भावुक। बेटियां हमारे लिए कितना मायने रखती हैं, ये शायद किन्हीं को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बेटियों के घर में रहने से गजब की रौनक पड़ी रहती है। एक पिता का अपनी बेटी के लिए चिंता करना आम बात है, लेकिन अगर बेटियां भी अपने पिता की चिंता करें तो वो भी इतनी कम उम्र में, शायद ये देखकर आपका भी दिल पिघलना लाजमी है। मेरी बात सुन। दुनिया के हर बच्चे को अपने पापा की टेंशन होती है। अच्छा, इसलिए वो दुबली पतली हो जाती है। अच्छा, खाना खाएंगे ना वो भी, अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था। लेकिन भूखे भूखे तो बेटा, अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके ग्राहक निकल जाएगा तो उनका ग्राहक कहाँ चला जाएगा? वो नरेश अंकल आते ना, उनका ग्राहक बैठा है उनके दुकान पे, उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान। तो मम्मा खाना खाके इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके खाएंगे ना। इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? कुछ बताओ ना। खाएंगे ना। इंसान खाना नहीं खाएगा? वो खाना नहीं खाते? खाते, वो भी खाना खाते, अपने बाबा भी खाना खाएंगे, भूखे भूखे भी खाते। ओ बाप रे, तुम खाना खिलाते हो बेटा, पापा नाश्ता ले जाते हैं दुकान पे। टेंशन होती है ना। ओ बाप रे, ऐसी टेंशन इतना होती है पापा की, मैं क्या करूँ? मेरा स्वभाव इतना नरम है, मैं क्या करूँ? अब खराब तो कर नहीं सकती मैं। ओ बाप, इसे रोना नहीं। मैं क्या करूँ? पापा को आप प्यार